वही होगा जो तुम चाहोगी, और तुम ये भूल जाओ कि कल मैंने तुम्हारी शादी का फैसला किया था। पापा पर आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और मैं ये नहीं चाहती हूँ। आप क्या बोलेंगे सबको? मैं हैंडल कर लूंगा ना, मैं हैंडल कर लूंगा। आपको पता है मैंने हमेशा बचपन से लेके आज तक हर बात आपसे शेयर की है। हाँ बेटा, मुझे तो खुशी है कि तुमने ये बात मुझसे शेयर की। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चलो आंसू को पोंछो। पापा मम्मी को मना लेंगे ना? मना बस आंसू नहीं आने चाहिए। जमूल को नहीं भूल सकती बेटी। जो बोलेगी मैं उसको करके दूंगा। जो बोलेगी, जैसे बोलेगी मैं। डोंट वरी। लव यू बेटा, लव यू। अभिया, मूसा भाई मिलने आया तुमसे, आके मिलो। किसी से नहीं मिलना। क्या मतलब है नहीं मिलना चाहती? जब तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया तो फिर खुद को स्ट्रॉन्ग रखो ना। हाँ पर मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। ठीक है, इसका यही मतलब है कि तुम्हें तैमूर भाई के घर नहीं जाना फिर। ऐसी बात नहीं है, तैमूर का घर नहीं छोड़ सकती मैं। तो फिर इसी वक्त आके मूसा भाई से मिलो। अम्मी अब्बू से मिल ली हैं, वो उनका मूड ठीक है। बुक कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो मूसा? बिल्कुल ठीक। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I'm sorry. Sorry for what? तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। बस बाबा की बीमारी की वजह से। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। मैंने आपकी शाल, आयजा, आंटी, अंकल सबकी मोहब्बत देख रखी, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप खुद से ज़्यादा उन सबको चाहती हैं। शायद यही आपकी तरबियत हो। मैं तो इन बातों की वजह से आपको आइडलाइज करता हूँ, फैन हूँ मैं आपका। तुम बहुत अच्छे हो मूसा, मैं तुम्हें इस तरीके से इनकार नहीं करना चाहती थी। अगर मैं कहूँ कि मैं हमेशा से जानता था कि आप इनकार ही करेंगे, तो प्लीज रिलैक्स रहें, और किसी गिल्ट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तैमूर हमेशा से ये चाहता था कि आप मजबूत रहें। आपका मजबूत रहना आपके अपनों के लिए बहुत जरूरी है। उनको आपकी हेल्प की, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज खुद को किसी गिल्ट में मत रखिए, और हमारे भी जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। उसको ऐसे ट्रीट करें जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। मुझे खुशी है कि तुम मुझे समझते हो मुझे। मैडम, आपने जिसे दोस्त कहा है ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वैसे बात कहूँ आपसे, जैसा जान जैसी जान ना, बहुत मिस करते हैं आपको। आपके इंतजार में बहुत बेचैन रहते हैं। मैं आपको ले जाता आज रात वहाँ पर, लेकिन मेरी फ्लाइट है दुबई के लिए। वो मेरी टीम और मैं, हमें एक हफ्ते के लिए दुबई जाना है। देयर इज एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, तो उसमें बिजी हूँ। अदरवाइज आई थिंक आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस इतना कीजिएगा कि चाचा चाची का बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत मिस करते हैं आप मुझे। इजाजत, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। वो सब जितना सोचा था तुम उससे कई गुना ज्यादा अच्छे। अब इतनी तारीफ ना करें मेरी, वरना मैं मगरूर हो जाऊंगा और काबू नहीं आऊंगा मैं आप। ऐसी खुश रहा कीजिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगी तो हम सब खुश रहेंगे। चलता हूं, ख्याल रखिएगा।
Assalamualaikum everybody. This is Hajra Yameen. Please do like AirVy Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.